वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। टुडे इज 31 मई 2022। आइए देखते हैं कल क्या एक्टिविटीज हुआ है और आज और आने वाले दिनों में क्या क्या एक्टिविटीज हो सकते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी है 101.68, कल ये 101.30 टच करके आया है। तो एज एक्सपेक्टेड ये जो डॉलर इंडेक्स है काफी सॉफ्ट हुआ है। अभी हमें देखना है कि ये जो ट्रेंड चैनल था पहले का, यहाँ पे ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या इसके नीचे आ जाता है, दैट इज वी नीड टू वॉच इट केयरफुली। और यहाँ पे अगर ये जो RSI है, हमें देखना है कि ऊपर जाके ये जो रेड लाइन है इसमें रेजिस्टेंस लेता है या वो डायरेक्टली ऊपर की तरफ चला जाता है। अगर इस लाइन पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता है देन इंडेक्स विल सॉफ्टन फर्दर। अगर ये रेड लाइन के ऊपर क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो ये फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेगा। एंड ऑल्सो प्राइस के हिसाब से जब तक ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में है तब तक सॉफ्ट होने का चांसेस है। इसके ऊपर अगर क्लोज दे देता है ये पर्टिकुलर लाइन, दैट इज 102.50, इसके ऊपर अगर क्लोज दे देता है देन ये जो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन से इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाएगा। इन सच ए केस वी नीड टू रीमेंस फोकस एंड रीथिंक द इंडेक्स इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर हम डॉलर रूपी देखेंगे, डॉलर रूपी में ये काफी टाइम से ये कंसोलिडेशन के अंदर में है। बेसिकली इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस क्योंकि काफी टाइम से ये रेंज के अंदर में अटक गया है। 4, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13 ट्रेडिंग डे से ये रेंज के अंदर में है। तो जितना ये कंसोलिडेट करेगा उतना ही जो रेंज के बाहर ब्रेकआउट करेगा उतना ही भयानक ब्रेकआउट होगा, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड। सो इट्स बेसिकली कॉज ऑफ कंसर्न कि किधर फूटेगा, ऊपर की तरफ फूटेगा या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, ये हमें कॉज ऑफ कंसर्न है। लेकिन काफी ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ए मीन्स ब्लास्ट टाइप ऑफ थिंग्स, मीन्स अच्छा खासा एक वन साइडेड मूव होने का प्रोबेबिलिटीज है। अगर हम GBP डॉलर में देखेंगे, GBP डॉलर में कल ये आपका ये 1.2660 तक हाई टच करके गया है। आज सुबह से हल्का सा एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो रहा है तो हमें बेसिकली इंतजार है ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। कल क्लोज दिया था बट द क्लोज वाज नॉट दैट ग्रेट बिकॉज उससे पहले एक हाई था, दैट इज द हाई इज 1.2667 और कल का जो हाई है ये 27 तारीख का हाई को तोड़ नहीं पाया। सो देयर बाय इट हैज फॉर्मड एन इनसाइड बार ऑफ द 27th मे कैंडल। अगर इसको ऊपर जाना है तो 27th मे के हाई के ऊपर एक दो घंटा सस्टेन करना पड़ेगा। तो अभी हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है या ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे हमें माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है प्राइस एक्शंस को। अगर हम यूरो डॉलर को देखेंगे तो कल ये हाई ट्रेड किया 1.0786 जो हमारा टारगेट था 1.08, ये मींस वहां पे ही टच करके आप बोलोगे कि नहीं नहीं 14 पिप्स का अभी तक शॉर्टेज है। बेसिकली ये जो है ये कोई दर्जी वाला मेजरमेंट नहीं है कि एकदम वहीं तक जाएगा, इट्स एन जस्ट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन। तो उस हिसाब से देखेंगे तो टारगेट मेट हुआ है। तो अभी आज सुबह से देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक नेगेटिव बायस फॉर्म हो रहा है, उसका मेन
कारण क्या है कि आपका कल फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वेलर से दैट द यूएस फेडरल रिजर्व शुड बी प्रिपेयर टू रेज इंटरेस्ट रेट बाय हाफ ए परसेंटेज पॉइंट एट एवरी मीटिंग फ्रॉम नाउ ऑन अंटिल इन्फ्लेशन इज डिसाइसिवली कर्व्ड। ये स्टेटमेंट के बाद थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट मींस केयरफुल और अवेयर हो चुका है कि अभी मींस थोड़ा सा यहाँ पे एक जैसे इंडेक्स डॉलर इंडेक्स में पॉजिटिव दिख रहा था यहाँ पे, और जीबीपी डॉलर में भी हल्का सा नेगेटिव दिख रहा है, एंड यूरो डॉलर में भी ये हल्का सा नेगेटिव दिख रहा है। तो हमें अभी देखना है कि यहाँ पे कितना ये नेगेटिव बायस फॉर्म होता है। अगर हम हमारा जो इसके हाई के ऊपर हमारा जो एक्चुअल टारगेट है दैट इज 1.0940, तो ये तभी पॉसिबल है कि 30th मई के हाई के ऊपर 1-2 घंटा ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लाइन है 1.08। सो इसमें बेसिकली यही है, 1.08 के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड करना चाहिए एंड क्लोज देना चाहिए, देन एंड ओनली देन इट इज पॉसिबल टू ट्रेड टुवर्ड्स 1.09 3040 की तरफ। अगर हम डॉलर येन देखेंगे, डॉलर येन में भी हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है यहाँ पे। ये बेसिकली हमारा जो 24 मई का जो लो है इसके नीचे क्लोज किया नहीं सब्सिक्वेंटली, दैट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न इन दिस केस। तो अभी हमें देखना है कि ये जो सेंटर बैंड है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता है, या आपका मीन्स बेसिकली ये जो लाइन है यहाँ पे सेंटर बैंड बोलिए या ये लाइन बोलिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है या ऊपर की तरफ जाता है। अगर हम RSI टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है, बिकॉज देखिए ये नीचे से इसका जो मुंडी है यानी हेड जो है ऊपर की तरफ घूम चुका है। सो यहाँ पे हमें देखना है ये पर्टिकुलर एरिया पे दैट इज 128.50 से 128.75 के आजू बाजू ये रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आता है या ऊपर की तरफ फॉलो थ्रू करता है, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम जीबीपी आईएनआर क्या देखेंगे, जीबीपी आईएनआर का कल एक हल्का सा छोटा स्मॉल बॉडी कैंडल बना हुआ है एंड आज थोड़ा सा नेगेटिव बायस हो रहा है। कल का जो कैंडल है इससे इनसाइड बार टू 27 मई कैंडल, अगर इसको ऊपर जाना है तो 27 मई कैंडल के हाई के ऊपर थोड़ा बहुत 1-2 घंटा सस्टेन करना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट दिस 98.60 के आसपास। यूरो आईएनआर पे कल जो हाई बना है आपका 83.66, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस लाइन है। जो हमारा ऑलरेडी टारगेट यूरो आईएनआर पे था वो भी मेट हो गया है, अभी इसको ऊपर जाना है तो कल के हाई के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा 1-2 घंटा, तभी जाके ये फिर फर्दर ऊपर के तरफ मे बी 84.60 के तरफ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आता है या फर्दर ऊपर की तरफ कंटिन्यू होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम ईएन आईएनआर क्या देखेंगे, बेसिकली देखिए कि ईएन आईएनआर में मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख रहा था, लेकिन जैसे ही डॉलर येन ऊपर की तरफ घूम चुका है, आपका देखिए नीचे से ऊपर की तरफ घूम चुका है, वैसे ही ईएन आईएनआर ये ऊपर से नीचे की तरफ घूम चुका है। अभी ईएन आईएनआर पे हमें देखना है कि ये जो लाइन है 0.6039, तो बेसिकली 0.60 से 0.6050 के एरिया पे ये सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर जाता है या नीचे के तरफ प्रोसीड करता है, ये हमें देखना है। यहाँ पे अगर ये पार्टिकुलर लाइन के आसपास अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है इससे वेरी गुड हेल्दी ट्रेंडेड साइन, अगर नहीं लेता है देन वी नीड टू वेट एंड ऑब्जर्व कि ये जो सेंटर बैंड है सेंटर बैंड के आसपास ये सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है, वो हमें फर्दर देखना पड़ेगा। डॉलर येन जैसे कि हमारा वीकली एनालिसिस में एक्सपेक्टेशंस था कि आपका
ये हेडिंग टुवर्ड्स दिस 1.26 से 1.2625 से 1.2650 उसके आसपास ऑलमोस्ट आ चुका है। आज हल्का सा ये पॉजिटिव बायस है, बट अभी जस्ट एशियन मार्केट चालू है, देन आपका यूरोपियन मार्केट एंड अमेरिकन मार्केट भी चलना पड़ेगा। बेसिकली कल मेमोरियल डे के लिए यूएस मार्केट क्लोज था, तो आज हमें यूएस मार्केट में क्या एक्टिविटी हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। और अगर हम ऑसी डॉलर क्या देखेंगे, ऑसी डॉलर में भी कल एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल देखा गया है, एंड आज हल्का सा एक हेजिटेशन कैंडल। आइए देखना है कि ये कितना नेगेटिव होता है या छोटा नेगेटिव होकर फर्दर इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 0.7250। डॉलर सी एन एच में हम देखेंगे कि कल यानी 30th का कोई प्राइस यहाँ पे कुछ आया नहीं है डॉलर सी एन एच में, लेकिन 31 मई यानी आज का ये अच्छा खासा एक नेगेटिव बायस हो रहा है, लेकिन वही है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इसको अगर नीचे आना है तो ये सपोर्ट तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड करना पड़ेगा। यूके ऑयल कल यूरोपियन यूनियन ने फिर पार्शियल सेंक्शंस ऑन रशियन ऑयल इंपोर्ट के ऊपर सेंक्शंस लगाया है, बिकॉज ऑफ विच ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशंस था 116 के ब्रेक के ऊपर, इट इज एक्सपेक्टेड टू टेस्ट 123.71, वो ऑलमोस्ट आ चुका है, अभी जस्ट उसी की तरफ है। तो हमें अभी यहाँ पे बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल इवेंट्स इसमें काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो हमें देखना है कि ये फर्दर कितना कंटिन्यू करता है, ऑल न्यूज बेस्ड इवेंट बेस्ड, तो हमें इसमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है। अगर हम यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में देखेंगे, फिर दोबारा देखिए आफ्टर द कमेंट ये यहाँ पे मुंडी घुमा के ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा 25, 26 और 27 का तीन स्मॉल बॉडी कैंडल्स था, हमारा ये मानना था कि इसके लो के नीचे अगर सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव होगा, लेकिन उल्टा आपका 30 मई को ऊपर की तरफ गया है, आज भी ऊपर की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ दैट फेड गवर्नर्स कमेंट। तो अभी हमें देखना है कि ये जो लाइन है इसके लाइन के ऊपर कंटिन्यू करता है या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, ये हमें एक दो दिन में केयरफुली मॉनिटर करना है। अगर हम आरएसए टर्म्स में देखेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तोड़ के ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ थोड़ा और अपवर्ड बायस हो सकता है, लेकिन क्रूशियल जो लेवल है दिस पर्टिकुलर लेवल इज वेरी क्रूशियल, इसके ऊपर कंटिन्यू करता है या इसके आसपास रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आता है, ये हमें आने वाले दिन में देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए डेली करेंसी एनालिसिस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरा प्रयास है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एज वेल एज अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कीजिए। तो धन्यवाद आप सभी को।